अगर तुम्हारे वीडियो पे व्यूज कम आते हैं तो इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन लो ऑडियंस रिटेंशन हो सकता है, विच मींस कि व्यूअर्स तुम्हारी वीडियो से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। तो अपने वीडियोस को बोरिंग से इंटरेस्टिंग बनाने के वैसे तो बहुत तरीके हैं, बट सबसे ईजीएस्ट तरीका है अच्छी वीडियो एडिटिंग। इस वीडियो में आई विल बी शेयरिंग 9 अमेजिंग एडिटिंग टेक्निक्स जो तुम्हारी वीडियो को लिटरली नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाली है। इससे व्यूअर्स तुम्हारे कॉन्टेंट से हुक तो होंगे ही, विच मीन्स मोर वॉच टाइम, बट साथ ही साथ कॉमेंट्स भी भर भर के आएंगे कि भाई ऐसी एडिटिंग कहाँ से सीखी, एडिटिंग किस ऐप से करते हो एंड सो मच मोर। और इस वीडियो में सभी के लिए कुछ ना कुछ होगा ही, नो मैटर तुम किस नीश में वीडियोस बनाते हो, लाइक डॉक्यूमेंट्री, ट्यूटोरियल्स, व्लॉग्स, सबके लिए कुछ ना कुछ है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर एडिटिंग टेक्निक लिस्ट। सबसे पहला है यूजिंग की फ्रेमिंग। एडिटिंग करते वक्त स्क्रीन पे हम बहुत टाइप के एलिमेंट्स यूज करते हैं, जैसे टेक्स्ट, स्टिकर्स एंड स्क्रीनशॉट्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे लुक वेरी बोरिंग एंड लाइफलेस। सो इन एलिमेंट्स में जान डालने के लिए यू कैन यूज समथिंग कॉल्ड की फ्रेमिंग। की फ्रेमिंग की मदद से तुम स्क्रीन पे जो कुछ भी है उसे एनिमेट कर सकते हो, लाइक लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे, जूम इन, जूम आउट, स्पिन, और लिटरली कुछ भी जो तुम करना चाहो। ऑलराइट, सो की फ्रेमिंग बेसिकली एक टूल है जिसकी मदद से तुम किसी भी एलिमेंट का या किसी भी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, सब्सक्राइब, और इस टेक्स्ट को हम क्लिप के एंड तक एक्सटेंड कर देंगे। और यहाँ पे देखो एक इन्वर्टेड ट्राइंगल वाला ऑप्शन है, इसी की मदद से हम की फ्रेम्स को ऐड करेंगे एंड रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले मैं सब्सक्राइब वाले टेक्स्ट को लेफ्ट साइड ले आऊँगा और पहला की फ्रेम यहाँ पे डाल दूंगा। तो यहाँ पे पहला की फ्रेम ऐड हो चुका है, देख रहे हो, विच मीन्स कि हमने इस टेक्स्ट का स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन कर लिया है। अब मैं बिल्कुल एंड में चल जाऊँगा और यहाँ पे भी की फ्रेम ऐड करते हैं एंड सब्सक्राइब वाले टेक्स्ट को मैं ड्रैग करके राइट साइड ले आता हूँ। अब अगर मैं इसे शुरू से प्ले करके दिखाऊं तो तुम देखोगे कि ये टेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक एनिमेट हो चुका है। सिमिलरली अगर मैं इस एंड पॉइंट पे इस टेक्स्ट के साइज को थोड़ा बड़ा कर देता हूं लाइक दिस, तो तुम देखोगे कि इसमें ग्रेजुअल जूम इफेक्ट भी आ चुका है। सो ये बस एक क्विक एग्जांपल था टू शो की फ्रेमिंग काम कैसे करता है। अब ऑफ कोर्स तुम इस नॉलेज के बेसिस पे और भी बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, तो इसके लिए मैं इसका एंड वाला की फ्रेम और स्टार्ट वाला की फ्रेम दोनों ही डिलीट कर देता हूँ और टेक्स्ट को सेंटर में ले आता हूँ। नाउ लेट्स से मुझे टेक्स्ट में एक सडन जूम इन इफेक्ट चाहिए, मतलब यहाँ तक उसका साइज सेम रहेगा और फिर अचानक से ये जूम इन हो जाएगा, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे की फ्रेम ऐड करूँगा, ये हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और दूसरा वाला की फ्रेम जस्ट इसके बगल में डालना है। तो मैं टाइमलाइन पे से स्लाइड करूंगा और दूसरा वाला की फ्रेम यहाँ डाल देते हैं लाइक दिस। ये हो गया इसका एंडिंग पॉइंट और यहाँ पे मैं टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा देता हूँ, लेट्स से इतना जूम इन करना है। सो अब अगर इसे प्ले करके दिखाऊं तो इसमें एक जूम इन इफेक्ट आ चुका है। सिमिलरली अगर टेक्स्ट को स्क्रीन से एग्जिट करवाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, उसके लिए पहला की फ्रेम यहाँ डाल देता हूँ और दूसरा वाला की फ्रेम कहीं भी डाल देते हैं, जहाँ भी चाहता हूँ मैं कि वो टेक्स्ट स्क्रीन से एग्जिट हो, लेट्स से यहाँ पे डाल देते हैं दूसरा की फ्रेम और इस पॉइंट पे मैं टेक्स्ट को स्क्रीन के बाहर कर देता हूँ। एंड नाउ इफ आई प्ले दिस, वी हैव क्रिएटेड अ वेरी नाइस एग्जिट इफेक्ट। अब ऑफकोर्स यही सेम चीज़ तुम किसी स्टिकर के साथ भी कर सकते हो, तो मैं इस टेक्स्ट को रिमूव कर देता हूँ और कोई स्टिकर डालते हैं यहाँ पे, लेट्स से दिस वन। स्टिकर में भी जूम इन इफेक्ट डाल सकते हो, स्टार्टिंग वाला यहाँ पे, एंड वाला यहाँ पे डाल देते हैं और इसे जूम इन कर दूंगा एंड स्टिकर में भी जूम इन इफेक्ट आ चुका है लाइक दिस। सेम चीज अगर चाहो तो तुम वीडियो के साथ भी कर सकते हो, सो यहाँ पे एक वीडियो क्लिप इंपोर्ट कर लेता हूँ, लेट्स से दिस वन। अभी देख रहे हो यहाँ पे इस वीडियो में कोई भी जूम इन वाला इफेक्ट नहीं है, तो मैं इस क्लिप के स्टार्टिंग में आ जाऊंगा, एक की फ्रेम डाल दूंगा यहाँ पे और दूसरा वाला की फ्रेम यहाँ पे डाल देते हैं और इस पॉइंट पे मैं स्क्रीन को जूम इन कर दूंगा थोड़ा। एंड नाउ वी हैव क्रिएटेड अ जूम इन इफेक्ट। तो इस टाइप से तुम अपने बोरिंग क्लिप्स को भी इंटरेस्टिंग बना सकते हो और अपने वीडियोज में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अप वी हैव ग्रीन स्क्रीन। तो अगर तुमने मेरे चैनल की और भी वीडियोस देखी है तो शायद तुमने ये सोचा होगा कि मैं ऐसे प्यारे प्यारे कैरेक्टर्स, नोटों की गड्डी और ये ग्राफ्स कहाँ से लाता हूँ। वेल, अगर तुम पीसी पर एडिट करते हो तो ऐसे एनिमेशंस आफ्टर इफेक्ट्स से आराम से बना सकते हो, बट मोस्ट लाइकली तुम्हारे पास ये दोनों ही नहीं है। सो इन दैट केस यू कैन यूज ग्रीन स्क्रीन क्लिप्स, लेट्स सी हाउ। सो सबसे पहले तुम्हें यूट्यूब पर आ जाना है और जिस भी चीज़ का ग्रीन स्क्रीन फुटेज चाहिए उसे सर्च कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आई विल सर्च थिंकिंग मैन ग्रीन स्क्रीन। सो एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे क्लिप्स आ चुके हैं, सिंपली इसमें से जो भी पसंद आता है उसे तुम्हें डाउनलोड कर लेना है
जो भी तुम अपने वीडियो में यूज़ करना चाहते हो। लाइक मैं अपने वीडियोज़ में ये वाला यूज़ करता हूँ, सिंपली जो भी पसंद आता है उसका लिंक कॉपी करो और उसे डाउनलोड कर लो। अब मैं इनशॉट पे आ चुका हूँ और मेरे पास पहले से एक वीडियो बैकग्राउंड यहाँ पे इंपोर्टेड है और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर से मेरा एनिमेटेड कैरेक्टर आए जिसे मैंने डाउनलोड किया है। तो उसके लिए मुझे जाना होगा PIP पे। PIP मतलब पिक्चर इन पिक्चर, मतलब जो स्क्रीन पे वीडियो प्ले हो रहा है करेंटली उसके ऊपर से एक और वीडियो, उसे बोलते हैं PIP। तो मैं PIP पे जाऊंगा और जो भी ग्रीन स्क्रीन फुटेज हमने डाउनलोड किया है उसे मैं इंपोर्ट कर लूंगा। फिर इसका साइज एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। तो मैं इसे जूम इन कर देता हूँ थोड़ा। फिर उसके बाद तुम्हें यहाँ पे एक क्रोमा वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे तो बेसिकली एक स्लाइडर आ जाएगा। इस स्लाइडर को तुम जहाँ भी ले जाओगे ये बेसिकली उस पार्ट को ट्रांसपेरेंट कर देगा। तो मैं इसे ग्रीन वाले हिस्से पे ले जाऊँगा एंड तुम देख रहे हो बहुत ईजिली बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। फिर स्ट्रेंथ को भी अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हो। लाइक अभी देख रहे होगे कि इस कैरेक्टर के अराउंड ग्रीन एजेस हैं, तो मैं उसे रिमूव करने के लिए स्ट्रेंथ को बढ़ा दूंगा लाइक दिस एंड नाउ इट लुक्स गुड। एंड जस्ट लाइक दैट तुम बहुत ईजिली विदाउट एनी एफर्ट अपने वीडियो में एक एनिमेटेड कैरेक्टर डाल सकते हो। नाउ लेट्स से मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे ये जो कैरेक्टर है वो स्क्रीन के थोड़ा राइट साइड चला जाए एंड स्क्रीन पे एक स्पीच बबल आ जाए जिससे लगे कि ये कैरेक्टर कुछ सोच रहा है। तो फिर से वही करेंगे, यूट्यूब पे आके सर्च कर लेना है स्पीच बबल ग्रीन स्क्रीन। तुम्हें जो भी चाहिए उसका ग्रीन स्क्रीन यूट्यूब पे मिल जाता है अगर वो बहुत कॉमन चीज़ है। तो यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज आ चुके हैं, फिर से आई विल गो फॉर दिस वन। सो बैक टू इन शॉर्ट, मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे ये कैरेक्टर स्क्रीन के थोड़ा राइट साइड चला जाए। ये कैसे करना है मैंने अभी की फ्रेम वाले हिस्से में सिखाया था। पहला की फ्रेम यहाँ डालेंगे, ये हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और दूसरा वाला जस्ट उसके बगल में डालना है यहाँ पे। ऐड कर दूंगा दूसरा की फ्रेम और इस कैरेक्टर को उठा के हम राइट साइड डाल देते हैं। तो इस पॉइंट पे मैं स्पीच बबल वाला ग्रीन स्क्रीन इंपोर्ट कर लूंगा। आई गो टू PIP एंड सेलेक्ट दिस। फिर इसके साथ भी वही करना है, क्रोमा पे जाओ और स्लाइडर को ग्रीन वाले हिस्से पे ले जाके स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो एंड देन आई विल चेक दिस। फिर इसे भी एडजस्ट कर देंगे और अब अगर मैं इसे यहाँ से प्ले करके दिखाऊं देन यू विल सी कि हमने एक बहुत अच्छा एनिमेशन क्रिएट कर लिया है। सो इस टाइप से सिर्फ यूट्यूब क्लिप्स की मदद से तुम बहुत अच्छे एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो अपने वीडियो में। नंबर 3 इज क्रिएटिंग योर ओन ट्रांजिशंस। तो यूजली क्या होता है कि जो भी वीडियो एडिटर तुम यूज़ कर रहे हो उसमें ट्रांजिशंस बहुत ही लिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इनशॉट यूज़ करता हूँ तो इसमें बहुत कम ही ट्रांजिशंस है जो मुझे पसंद है, और जो बहुत बढ़िया वाले हैं वो सब फ्री टू यूज़ नहीं है। तो ऐसे में ऐप के डिफॉल्ट ट्रांजिशंस पे डिपेंड होने से अच्छा है खुद के ट्रांजिशंस बना लो, जैसे ये क्लिच ट्रांजिशन, लाइट लीक ट्रांजिशन एंड सो मच मोर। ये कैसे करना है चलो देखते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स से हमें इन दोनों ही क्लिप्स के बीच में क्लिच ट्रांजिशन डालना है। सो उसके लिए आई विल गो टू YouTube एंड आई विल सर्च क्लिच ट्रांजिशन ओवरले एंड एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला देख लो, ये पूरा पैक है, मतलब इसमें बहुत सारे ट्रांजिशंस का कलेक्शन एक साथ है। तो तुम्हें सिर्फ इसे डाउनलोड करना है और जो भी पसंद आता है उसे ट्रिम करके यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक सेकंड वाला भी है, इसे मैं डाउनलोड कर लूँगा। नाउ बैक टू इनशॉट, यू कैन सी कि ये फर्स्ट क्लिप है एंड दिस इज द सेकंड क्लिप। सो वॉट यू हैव टू डू इज कि सेकेंड क्लिप जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसके थोड़ा सा पहले आ जाओ एंड इस पॉइंट पे हम ट्रांजिशन को ऐड करने वाले। तो ट्रांजिशन ऐड करने के लिए मैं इस पॉइंट पे PIP पे जाऊँगा एंड जो ट्रांजिशन हमने डाउनलोड किया है उसे इंपोर्ट कर लूँगा लाइक दिस। फिर इसे ट्रिम वगैरह कर सकते हो अगर ज़रूरत पड़े तो। उसके बाद मैं इसे फुल स्क्रीन में एडजस्ट कर दूंगा एंड नाउ इफ आई प्ले दिस तुम देख रहे हो कि ट्रांजिशन ऐड तो हो चुका है बट अभी भी स्क्रीन को पूरा कवर कर रहा है और ये लाइक ट्रांजिशन जैसा लग नहीं रहा है। तो उसके लिए तुम्हें इस पर क्लिक करना है, ब्लेंड मोड पे जाना है और यहाँ पे देखो बहुत सारे ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं, तो इसमें से कोई भी जो तुम्हारे ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग सूटेबल हो उसे सेलेक्ट कर लेना। सो मैं लाइट एंड सेलेक्ट कर सकता हूँ, स्क्रीन भी है, कलर डॉज भी है, आई विल गो फॉर कलर डॉज एंड मैं इसे टिक कर दूंगा। और अब अगर मैं इसे प्ले करके दिखाऊँ तो तुम देख रहे हो हमने बहुत अच्छा ट्रांजिशन क्रिएट कर लिया है। लिटरली ये ऐप के डिफॉल्ट ट्रांजिशन से भी बेटर लग रहा है मुझे। सिमिलरली अगर लाइट लीक वाला ट्रांजिशन चाहिए तो वो भी यूट्यूब पे मिल जाएगा, जस्ट सर्च लाइट लीक ट्रांजिशन ओवरले एंड फिर से बहुत सारे वीडियोज आ चुके हैं। तो जो भी तुम्हें पसंद है इसमें से डाउनलोड कर लेना, आई विल गो फॉर दिस वन। सो बैक टू इन शॉर्ट, मैं इस वाले ट्रांजिशन को डिलीट कर देता हूँ और फिर से वही करना है कि जो सेकंड क्लिप है वो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसके थोड़ा सा पहले आ जाओ एंड इस पॉइंट पे PIP पे जाना है और जो ट्रांजिशन हमने डाउनलोड किया है उसे इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये तो लाइक 1 मिनट 22 सेकंड का वीडियो है, बहुत बड़ा हो गया ये, तो इसे थोड़ा सा ट्रिम करना पड़ेगा।
सो यार ये बहुत ही बड़ा वीडियो था, लाइक बहुत सारे लाइट लीक्स थे इसमें, तो मैंने इसका छोटा सा हिस्सा 4 सेकंड का ट्रिम कर लिया है। लेट मी शो यू दिस। सो ये अभी भी बहुत बड़ा है, तो मैं स्पीड वाले सेक्शन में जाऊंगा एंड इसका स्पीड बढ़ा देते हैं ताकि ये 1 सेकंड का हो जाए। सो यार इतना स्पीड सही लग रहा है। नाइस फिर इसे भी स्क्रीन पे एडजस्ट कर देते हैं फुल स्क्रीन पे। और इसके साथ भी तुम्हें वही करना है, ब्लेंड ऑप्शंस पे जाओ और लाइटन स्क्रीन कलर डॉज जो भी तुम्हारे वीडियो के अकॉर्डिंग सूटेबल है उसे सेलेक्ट कर लो। दिस टाइम आई थिंक आई हैव टू गो फॉर लाइटन या फिर स्क्रीन। एंड अब इसे प्ले करके देखते हैं। थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। टाइमिंग सही नहीं लग रहा है, इसे एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा। या अब ये सही लग रहा है। सो इस टाइप से सिंपली तुम्हें YouTube पे बस जाना है, और भी बहुत सारे ट्रांजिशन ओवरलेज मिल जाएंगे सर्च करोगे तो, एंड उन्हें डाउनलोड करके सही से ट्रिम करके और सही ब्लेंडिंग मोड सेलेक्ट करके अपने वीडियोज में यूज करना है। नंबर 4 इज द टाइपिंग टेक्स्ट इफेक्ट। बेसिकली स्क्रीन पे जो कुछ भी लिखाएगा इट विल लुक लाइक कि कोई उस टेक्स्ट को टाइप कर रहा है। यू कैन क्रिएट दिस इन अ फ्यू सिंपल स्टेप्स, लेट्स सी हाउ। सो जिस भी टेक्स्ट पे टाइपिंग इफेक्ट चाहिए पहले उसे लिख लो। फिर मैं इसे स्क्रीन के एंड तक एक्सटेंड कर देता हूँ लाइक दिस। उसके बाद यू हैव टू क्लिक ऑन एडिट, एनिमेशन पे जाओ और सिंगल लेटर वाले एनिमेशन का पहला वाला सेलेक्ट कर लो। फिर अपने हिसाब से तुम देख सकते हो कि टाइपिंग का स्पीड कितना होना चाहिए, तो मैं इसे थोड़ा बढ़ा देता हूँ। 2.2 अच्छा लग रहा है। और आउट एनिमेशन को बंद कर देना है। फिर उसके बाद म्यूज़िक वाले सेक्शन में जाओ और एक साउंड इफेक्ट है, उसका नाम है कीबोर्ड टाइपिंग साउंड इफेक्ट। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसे ऐड कर दो। इसका वॉल्यूम कम कर देते हैं और देख लो कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक इसे ट्रिम कर दो। एंड नाउ इफ आई प्ले दिस, देख रहे हो उसमें एक टाइपिंग इफेक्ट आ चुका है। अब ऑफ कोर्स जहाँ पे टेक्स्ट टाइप होना खत्म हुआ है उस पॉइंट पे तुम्हें साउंड इफेक्ट को भी ट्रिम करके डिलीट करना पड़ेगा। सो एट दिस पॉइंट मैं इस साउंड इफेक्ट को स्प्लिट कर दूंगा और जो बाकी का हिस्सा है इसे डिलीट कर देंगे। एंड देयर वी गो, वी हैव अ वेरी नाइस टाइपिंग इफेक्ट इन आवर टेक्स्ट। और नंबर 5 वी हैव मोशन ट्रैकिंग। सो तुमने बहुत बार न्यूज चैनल्स पे देखा होगा कि क्लिप में किसी मूविंग पर्सन के फेस को ब्लर करना होता है या फिर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ टेक्स्ट को भी मूव करवाना होता है। इस टाइप की चीजें तुम बहुत ही आसानी से मोशन ट्रैकिंग के मदद से क्रिएट कर सकते हो। सो मेरे पास एक वीडियो है जिसमें दो लोग आपस में बात कर रहे हैं एज यू कैन सी, एंड लेट्स से फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस मुझे इस गर्ल के फेस को ब्लर करना है, तो उसके लिए मैं स्टिकर वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, डिटेल में जाऊंगा एंड यहाँ से तुम बहुत सारे अलग अलग टाइप के ब्लर एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मोसाइक ब्लर है, ट्रायंगल है, डॉट है। सो आई सेलेक्ट द 4th one विच इज़ गॉशियन ब्लर, एंड इसके इंटेंसिटी को भी तुम बढ़ा सकते हो लाइक ज़्यादा ब्लर करना है या कम, तो मैं इसे 100 पे कर दूंगा। और सिंस हमें एक फेस ब्लर करना है तो सर्कल सेलेक्ट कर लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और फिर इसे टिक कर देंगे। फिर इसे मैं क्लिप के एंड तक एक्सटेंड कर दूंगा ताकि ये पूरे वीडियो में आ जाए। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कैमरा एंगल चेंज हो रहा है तो स्टार्टिंग में तो ये ब्लर सही जगह पे था, बट जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तुम देख रहे हो ये ब्लर एलिमेंट इस गर्ल के फेस से हट चुका है। तो इसे फिक्स करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं मोशन ट्रैकिंग। तो सबसे पहले क्लिप के स्टार्टिंग में आ जाओ और इस ब्लर एलिमेंट पर क्लिक करके ट्रैकिंग वाले ऑप्शन पर जाओ एंड देन क्लिक ऑन स्टार्ट ट्रैकिंग। तो बेसिकली तुम कह सकते हो कि हमने इस गर्ल के फेस के मूवमेंट को ट्रैक कर लिया है, तो अब ये जो ब्लर एलिमेंट है वो भी इसके साथ साथ मूव करेगा। लेट मी प्ले दिस। जस्ट लाइक दैट। सिमिलरली मेरे पास एक और वीडियो है, इसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं। देख रहे हो एक प्लेन है जो कि मूव कर रहा है स्क्रीन पे लेफ्ट से राइट साइड, एंड लेट्स से एक टेक्स्ट है या फिर एक स्टिकर है जो मैं चाहता हूँ कि इस प्लेन के साथ साथ मूव करे, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्लिप के स्टार्टिंग में आ जाओ, फिर जो भी टेक्स्ट या एलिमेंट चाहिए उसे इंपोर्ट कर लो। तो मैं टेक्स्ट में जाके एक इमोजी इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे,
इसे भी क्लिप के एंड तक एक्सटेंड कर लेंगे और इस इमोजी को मैं इस प्लेन के ऊपर ले आऊँगा। एंड इसके लिए भी वही करना है, ट्रैकिंग पे जाओ और स्टार्ट ट्रैकिंग पे क्लिक करो। एंड अब इसे प्ले करके देखते हैं। सो एज यू कैन सी कि ये इमोजी भी इस प्लेन के मोशन के साथ मूव कर रहा है। नेक्स्ट अप वी हैव हाइलाइटिंग। ओके, इस चीज़ को बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। लेट्स से तुम एक आर्टिकल, स्क्रीनशॉट या कोई टेक्स्ट अपने वीडियो में पढ़ रहे हो, तो वहाँ तुम लाइंस को किसी भी कलर से ऐसे हाईलाइट कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो इसे कैसे क्रिएट करना है, लेट्स सी। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट ले लिया है एंड लेट्स से मुझे इसका थर्ड लाइन हाईलाइट करना है। सो उसके लिए जस्ट गो टू टेक्स्ट और यहाँ पे सिंपली बस स्पेसेस टाइप करना है। This might seem a little weird क्योंकि अभी स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है। So what you have to do is just go to this colors section और यहाँ labels वाले section में जाके उस color को select कर लेना है जिससे तुम text को highlight करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे green color select कर लेता हूँ and opacity भी जाके कम कर देना। I recommend कि 20 रखो, उससे भी कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। एंड देन I'll check this। फिर इसे भी क्लिप के एंड तक एक्सटेंड कर देंगे like that। उसके बाद इसके साइज़ को मैं छोटा कर दूंगा और जिस लाइन को मुझे हाईलाइट करना है मैं वहाँ पे इसे प्लेस कर दूंगा। तो अभी ये थोड़ा सा हाईलाइटेड दिख रहा है बट ऑफ कोर्स पूरा लाइन हाईलाइट नहीं हुआ है, तो मैं जाके और स्पेसेस इसमें टाइप कर दूंगा। सो अब ये पहला लाइन तुम देख रहे हो हाईलाइट हो चुका है। तो अभी इसमें एक एनिमेशन भी डालना पड़ेगा, उसके लिए इस पर क्लिक करके एडिट वाले ऑप्शन पे आ जाओ एंड एनिमेशन वाले सेक्शन में ये वाला एनिमेशन सेलेक्ट कर लेना। इसके स्पीड को तुम अपने हिसाब से देख लेना, आई विल गो फॉर 0.3 और आउट एनिमेशन को बंद कर देंगे। नाउ इफ आई प्ले दिस, तुम देख रहे हो हमने बहुत अच्छा हाईलाइट इफेक्ट क्रिएट कर दिया है। सिमिलरली दूसरे लाइन को हाईलाइट करने के लिए मैं इसका कॉपी करूंगा और इसे ड्रैग करके सेकंड लाइन पे ले आते हैं, फिर से कॉपी करके थर्ड लाइन पे भी ले आऊंगा और इसे एडिट कर देते हैं। अब ऑफ कोर्स तीनों ही लाइन एक साथ हाईलाइट नहीं होंगे, सभी को एक एक करके हाईलाइट करना है। सो मुझे देखना पड़ेगा कि पहला लाइन किस पॉइंट पे हाईलाइट होना बंद हुआ है एंड इस पॉइंट पे मैं सेकंड वाले लाइन के हाईलाइट एलिमेंट को स्प्लिट कर दूंगा और जो लेफ्ट वाला हिस्सा है उसे डिलीट कर दूंगा। फिर मैं देखूंगा कि सेकंड वाला लाइन किस पॉइंट पे हाईलाइट होना खत्म हुआ है और इस पॉइंट पे थर्ड वाले लाइन के हाईलाइट एलिमेंट को स्प्लिट करके लेफ्ट वाले हिस्से को डिलीट कर दूंगा। और अब अगर इसे शुरू से दिखाऊं देन यू विल सी कि तीनों ही लाइन एक एक करके हाईलाइट हो रहे हैं लाइक दैट। चाहो तो इसके साथ एक साउंड इफेक्ट भी यूज कर सकते हो, उसका नाम है वूश साउंड इफेक्ट, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, नंबर 7 है यूजिंग वीडियो इफेक्ट्स ओवरलेज। तो अगर तुम्हारे पास एक वीडियो क्लिप है और तुम्हें उस पर एक इफेक्ट लगाना है तो पहला तरीका है कि ऐप में जो डिफॉल्ट इफेक्ट्स दिए हुए हैं उनका यूज करो। बट द प्रॉब्लम इज कि बहुत कम ही इफेक्ट्स हैं जो एक्चुअल में अच्छे होते हैं और अगर कोई अच्छा है भी तो वो फ्री नहीं है। सो इन दैट केस यू कैन यूज वीडियो इफेक्ट ओवरलेज जिनके मदद से तुम लिटरली हंड्रेड्स ऑफ वीडियो इफेक्ट्स लगा सकते हो विदाउट एनी लिमिटेशन। सो इन शॉर्ट्स में इफेक्ट ऐड करने के लिए तुम्हें फिल्टर्स पे क्लिक करना है और इफेक्ट्स वाले सेक्शन में जाओगे तो तुम्हें सभी वीडियो इफेक्ट्स मिल जाएंगे। बट देन द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो लाइक फ्री टू यूज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन बहुत ही अच्छा इफेक्ट है बट फ्री टू यूज नहीं है। सो इस केस में यूट्यूब से जाके हम खुद डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो इफेक्ट्स और उसे यूज कर सकते हैं। सो यूट्यूब पे यू हैव टू सर्च वीडियो इफेक्ट ओवरलेज एंड यहाँ पे देख रहे हो नीचे बहुत सारे वीडियो इफेक्ट ओवरलेज आ चुके हैं, लाइक प्लेलिस्ट भी लोगों ने बना के रखा है इसका, इसमें बहुत सारे हैं। सो इसमें से जो भी तुम्हें पसंद आता है तुम डाउनलोड कर सकते हो एंड आई विल शो यू हाउ टू यूज इट। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला पसंद आ रहा है तो मैं इसका लिंक कॉपी करके इसे डाउनलोड कर लूँगा। नाउ बैक टू इन शॉर्ट, जो इफेक्ट अभी हमने डाउनलोड किया है उसे इम्पोर्ट करने के लिए यू हैव टू क्लिक ऑन PIP और उस इफेक्ट को इम्पोर्ट कर दो, फिर इसे फुल स्क्रीन में एडजस्ट कर देंगे एंड देन यू हैव टू गो टू ब्लेंड ऑप्शंस। तो उस पर क्लिक करो और फिर से देख रहे हो बहुत सारे ब्लेंडिंग ऑप्शन हैं, तो जो भी वीडियो के हिसाब से जो भी इफेक्ट के हिसाब से सूटेबल है उसे सेलेक्ट कर लेना। सो मैं यहाँ पे कलर डॉज सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे टिक कर देता हूँ। एंड नाउ इफ आई प्ले दिस यू कैन सी हमारे वीडियो पे एक डस्ट एंड स्क्रैचेस वाला इफेक्ट बहुत ईजिली आ चुका है। अब अगर मैं चाहूँ तो जाके इस मेन क्लिप का सैचुरेशन भी कम कर सकता हूँ, तो उसके लिए एडजस्ट पे जाना है और सैचुरेशन को 0 कर देंगे, लाइटनेस भी थोड़ा कम कर देते हैं
एंड अब ये पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब लेट्स से तुम कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो या फिर कोई सिनेमेटिक मूवी टाइप का कुछ बना रहे हो, तो इन उसके लिए यू कैन सर्च विंटेज वीडियो इफेक्ट वाले, एंड फिर से बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, तो जो भी तुम्हें पसंद है वो डाउनलोड कर लो। लेट्स ट्राई दिस वन। सो मैं फिर से इन शॉर्ट में आ चुका हूँ और ये वाला जो वीडियो इफेक्ट हमने डाला है इसे रिप्लेस कर देते हैं और इसके जगह ये नया वाला लगा देते हैं। अब ऑफ कोर्स ये ब्लेंडिंग ऑप्शन इस पर उतना सूट नहीं कर रहा है, तो मुझे दूसरा ब्लेंड ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा कलर डॉज के अलावा कोई। स्क्रीन भी नहीं, लाइटन, मे बी डार्कन या मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई सही लग रहा है। लेट्स ट्राई दिस। सो या दिस लुक्स वेरी कूल। सो या इस टाइप से तुम सर्च करोगे यूट्यूब पे तो तुम्हें हंड्रेड्स ऑफ वीडियो इफेक्ट्स मिल जाएंगे और लाइक ऐप के डिफॉल्ट वीडियो इफेक्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। इसी टाइप से यू कैन सर्च फॉर मैजिक पार्टिकल्स ओवरले एंड इसे भी सेम टाइप से यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक वीडियो क्लिप है एंड इसके ऊपर मैं एक मैजिक पार्टिकल ओवरले इम्पोर्ट कर देता हूँ। लेट्स से दिस वन। और इसके साथ भी तुम्हें वही करना है, ब्लेंड ऑप्शंस पे जाओ और जो भी तुम्हारे वीडियो के अकॉर्डिंग सूटेबल हो उसे सेलेक्ट कर लो। सो दिस टाइम आई थिंक आई हैव टू गो विद स्क्रीन, इसे टिक कर देते हैं एंड दिस लुक्स वेरी कूल। सो या बेसिकली मुझे यही बताना था कि देर आर हंड्रेड्स ऑफ वीडियो इफेक्ट्स ऑन यूट्यूब जो तुम यूज़ कर सकते हो डाउनलोड करके। सो जाके एक्सप्लोर करो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो इफेक्ट्स एंड सिर्फ ऐप पर डिपेंडेंट मत रहो। ऑन नंबर 8 वी हैव मास्किंग। लुक एट दिस वीडियो ऑन द स्क्रीन, कितना कूल लग रहा है। अगर इस टाइप के रिवीलिंग टेक्स्ट इफेक्ट को अपने व्लॉग में यूज करते हो देन व्यूअर्स विल डेफिनेटली लव इट। इसे हम मास्किंग टूल की मदद से बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हैं, सो फॉलो मी। ऑलराइट, सो ये रिवीलिंग टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट करने का प्रोसेस जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सो जस्ट फॉलो व्हाट आई एम डूइंग। सबसे पहले इन शॉर्ट में फोटोज वाले सेक्शन पे आ जाओ और न्यू फाइल पे क्लिक करके एक ब्लैंक स्क्रीन सेलेक्ट कर लो। फिर उसके बाद कैनवस में जाके रेशियो को 16:9 कर लो और इसे टिक कर दो। उसके बाद यहाँ पे देखो एक कटआउट वाला ऑप्शन होगा, उस पर अगर क्लिक करोगे तो तुम्हारा जो पूरा बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो इसे भी टिक कर देते हैं। फिर उसके बाद टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाके जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो रिवीलिंग टेक्स्ट इफेक्ट के लिए उसे टाइप कर दो। तो आई राइट वेलकम टू माई ब्लॉग और इसका साइज और कलर वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद इसे सेव कर दो। तो अब मेरे पास इन शॉर्ट में ये वीडियो है जिसमें एक इंसान स्क्रीन के लेफ्ट से राइट साइड वॉक कर रहा है एंड इसी में मैं रिवीलिंग टेक्स्ट इफेक्ट को डालना चाहता हूँ। सो जो टेक्स्ट अभी हमने बनाया है वेलकम टू माय व्लॉग, उसे ऐड करने के लिए तुम्हें जाना होगा पीआईपी पे। स्टिकर पे मत क्लिक करना, पीआईपी पे करना, ये बाद में समझ जाओगे क्यों। सो पीआईपी पे जाके उस टेक्स्ट को इम्पोर्ट कर लेते हैं और इसे मैं स्क्रीन के सेंटर में रख देता हूँ लाइक दिस। उसके बाद देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है मास्क का, उस पर क्लिक करो एंड फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लो। नाउ यू कैन सी कि स्क्रीन पे ग्रीन कलर का लाइन आ रहा है एंड ये लाइन बेसिकली मास्किंग टूल है जो कि डिसाइड करेगा कि जो भी एलिमेंट है, जो भी टेक्स्ट हमने क्रिएट किया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है वेलकम टू माय व्लॉग, उसका कितना हिस्सा स्क्रीन पे दिखेगा। सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसे रोटेट कर दूंगा इस तरह से और इसे स्क्रीन के पूरे लेफ्ट साइड ले आते हैं यहाँ पे और फिर इसे टिक कर दूंगा। अब जो आगे का प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एंड शायद फर्स्ट टाइम तुम्हें समझ में नहीं आए, तो शायद तुम्हें इसे एक दो बार देखना पड़े टू फुली अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, बट अभी के लिए जस्ट फॉलो मी। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर दूंगा। सो व्हाट आई विल डू नाउ इज कि मैं इस टाइमलाइन को आगे बढ़ाते जाऊंगा एंड जैसे जैसे ये इंसान स्क्रीन पर मूव कर रहा है वैसे वैसे मैं इस स्क्रीन वाले लाइन को भी आगे बढ़ाते जाऊंगा, जिससे डिसाइड होता है कि स्क्रीन पर कितना टेक्स्ट विजिबल है। तो अभी हम दूसरे की फ्रेम पर आ चुके हैं। यहाँ पर मैं मास्किंग टूल पर जाऊँगा और स्क्रीन वाले लाइन को यहाँ तक ले आते हैं। फिर टाइमलाइन पे आगे जाएंगे और नेक्स्ट की फ्रेम देखते हैं कहाँ है, यहाँ पे। तो दोबारा से मास्किंग टूल पे जाके इस स्क्रीन वाले लाइन को आगे बढ़ा देंगे। फिर नेक्स्ट की फ्रेम पे जाना है
तो देख रहे हो टेक्स्ट का रिवीलिंग इफेक्ट शुरू हो चुका है। अगेन नेक्स्ट की फ्रेम, मास्किंग टूल। सो शायद अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि मैं क्या कर रहा हूँ। बेसिकली इस टाइप से ही तुम्हें टाइमलाइन में आगे बढ़ते जाना है और मास्किंग टूल को भी आगे बढ़ाते जाना है। सो या अभी हम लोग क्लिप के बिल्कुल एंड में आ चुके हैं एंड ये प्रोसेस ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है बट इट्स वर्थ इट। एक लास्ट की फ्रेम शायद और बाकी है, सिर्फ एक लास्ट की फ्रेम। फिर मैं इसे यहाँ कर देता हूँ एंड नाउ अगर मैं इसे शुरू से प्ले करके दिखाऊँ, यू कैन सी वी हैव अ वेरी नाइस रिवीलिंग टेक्स्ट इफेक्ट। फाइनली ऑन नंबर 9 वी हैव बैकग्राउंड म्यूजिक। नो मैटर वीडियो कितने अच्छे से एडिट हुआ है, अगर BGM का यूज सही से नहीं किया गया है देन व्यूअर्स का एक्सपीरियंस खराब होने वाला है। BGM सेलेक्ट करते वक्त लोग मेनली दो मिस्टेक्स करते हैं, पहला है चूजिंग द रॉन्ग बैकग्राउंड म्यूजिक एंड सेकेंड कि अगर म्यूजिक सही भी है तो वॉल्यूम गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी इन दोनों ही चीज़ों को फिक्स करते हैं। ओके, सो एक गलती है जो कि बहुत यूट्यूबर्स करते हैं, दे सर्च फॉर बैकग्राउंड म्यूजिक नो कॉपीराइट फॉर यूट्यूब इस टाइप का कुछ एंड ये सब सर्च करोगे तो मोस्टली तुम्हें इस टाइप के कॉमन सॉन्ग्स मिल जाएंगे, लाइक ये सारे सॉन्ग्स। सो भाई ये सारे सॉन्ग्स प्लीज़ मत यूज़ करो, ये NCS के सॉन्ग्स हैं एंड लाइक बहुत कॉमन हो चुके हैं और वैसे भी ये सब वीडियो पे सूट भी नहीं करते हैं। ऑल्सो अगर कोई ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करते हो जो कि बहुत पॉपुलर हो चुका है, भले ही वो वीडियो के लिए सूटेबल होता बट बिकॉज उसे कोई और यूट्यूबर यूज़ कर चुका है अपने वीडियो में बहुत बार या फिर वो ओवर यूज्ड है, देन उसे अपने वीडियो में यूज़ करोगे तो वीडियो प्रोफेशनल नहीं लगेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द सोर्सेज जहाँ से तुम बैकग्राउंड म्यूजिक अपने वीडियोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहला सोर्स है जो कि मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड भी करता हूँ, वो है यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने वीडियो के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक यहीं से लेता हूँ। नाउ ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है कि वीडियो में क्या है, लाइक वीडियो का कैटेगरी क्या है, उसी के बेसिस पे हम बैकग्राउंड म्यूजिक को भी सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए तुम यहाँ पे फिल्टर्स लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें मेरे वीडियोज़ जैसा बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए तो जॉनरा में जाके हिप हॉप एंड रैप सेलेक्ट कर लो, अप्लाई कर दो, और मूड में जाके काम, ड्रामेटिक, हैप्पी और ब्राइट सेलेक्ट कर लो एंड इसे भी अप्लाई कर देते हैं। सो हमारे पास बहुत सारे सॉन्ग्स आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सॉन्ग है क्रेजी आइज, आई यूज दिस सॉन्ग इन माई वीडियो। सो जो भी तुम्हें पसंद आए उसे तुम यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो डाउनलोड का ऑप्शन है एंड लाइसेंस टाइप देख लेना, अगर फ्री हो तभी यूज़ करना, लाइक दिस वन इज फ्री एंड मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स हियर विल बी फ्री। जो दूसरा सोर्स है बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करने के लिए उसका नाम है mixkit.co, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे देखो स्टॉक म्यूजिक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो वंस अगेन वी हैव गॉट लॉट ऑफ सॉन्ग्स टू यूज इन आवर वीडियोस। एंड यहाँ ऊपर में देखो जॉनरा एंड मूड का ऑप्शन है, मतलब सेम यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी जैसा फिल्टर्स लगा सकते हो। तो मैं जॉनरा में जाके हिप हॉप सेलेक्ट कर लूँगा एंड यू कैन सी ये वाला सॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड बाय आरुलो। सो ये वाला मैं अपने वीडियो में भी यूज़ करता हूँ। तो तुम यहाँ से भी अपने वीडियोस के लिए फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हो। अगर बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक के वॉल्यूम की तो कोई ऐसा फिक्स नंबर नहीं है कि तुम्हें इतना ही रखना है, इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द बैकग्राउंड म्यूजिक इटसेल्फ, लाइक किसी पे ज़्यादा रखना पड़ेगा किसी में कम, तो थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा टू सी कि कितना वॉल्यूम अच्छा लग रहा है। बट एक बस बेसिक रूल याद रखना कि कभी भी वॉल्यूम इतना मत रख देना बैकग्राउंड म्यूजिक का कि उसके वजह से ओरिजिनल वीडियो का ऑडियो सुनने में प्रॉब्लम हो। सो आई रिकमेंड कि घर में जो कोई भी है या फिर कोई फ्रेंड है तुम्हारा तो उसे दिखाओ अपना वीडियो एंड आस्क देम कि उन्हें ओरिजिनल ऑडियो सुनने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। इसके अलावा ये भी याद रख सकते हो कि अगर वीडियो के किसी पार्ट में तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, लाइक B-rolls वगैरह, तो वहाँ पे वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो, लाइक 15% था तो 30-40% कर सकते हो। ऑल्सो पर्सनली मुझे पसंद है कि वीडियो के इंट्रो में वॉल्यूम को ज़्यादा रखें बाकी के वीडियो के कंपैरिजन में, बिकॉज इंट्रो में हमें व्यूअर्स को हुक करना होता है, तो अगर थोड़ा सा BGM का वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा तो वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है देखने में। एंड या दैट्स द 9 टेक्निक्स टिप्स जो भी कहो जो कि अगर तुम अपने वीडियो में यूज़ करते हो देन यू कैन मेक इट इंस्टेंटली अट्रैक्टिव। ऑलराइट, सो अगर यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट कर देना एडिटिंग इज नाउ फन एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। नाउ लेट मी टेल यू कि अगर तुम एक कंप्लीट बिगनर हो और तुम्हें मेरे वीडियोस जैसी एडिटिंग को बिल्कुल लेवल 0 से स्टेप बाय स्टेप सीखना है, मतलब वॉइस ओवर कैसे ऐड करें, क्लिप्स कहाँ से लाएं
एलिमेंट्स और साउंड इफेक्ट्स कैसे ऐड करें, तो ये वीडियो देख लो, सारी बेसिक चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है। 30 मिनट की है, बट आई गारंटी इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो या तुमसे इसी वीडियो में मिलूंगा। बाय।